मोतिहारी जिले में एसएसबी टीम ने रक्सौल कस्टम एरिया के समीप छापेमारी कर नकली नोटों सहित युवक को गिरफ्तार किया है। टीम ने छापेमारी में 94,000 के भारतीय जाली नोट पकड़े हैं। एसएसबी के द्वितीय सेना नायक प्रियव्रत शर्मा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर इस छापेमारी को अंजाम दिया गया। पकड़ा गया युवक नेपाल के बीरगंज बीरता मोहल्ले से नोटों की डिलीवरी इलाहाबाद करने जा रहा था। गिरफ्तार युवक के पास से एक ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुआ है जो मुंबई का बना है। युवक की पहचान इलाहाबाद निवासी रामबाबू केसरवानी के रूप में की गई है। फिलहाल एसएसबी के द्वारा गिरफ्तार युवक से पूछताछ जारी है। आज सुबह लगभग 7:45 पे हमने एक जाली नोट का सीजर किया है, जब्ती की है, जिसमें 2000 के डिनोमिनेशन के 47 नोट लेके ये रामबाबू नाम का एक शख्स जो कि नेपाल से बिरता जगह है नेपाल की, वहाँ से ये इंडिया में आ रहा था और इंडिया में ये आगे इलाहाबाद का रहने वाला है, वहीं जा रहा था। ये पहले बॉम्बे में भी रहा हूँ। इसके आप फर्दर जांच करेंगे कि इसके कहाँ का लिंक है, ये पहले भी कर चुका है या पहले ही इसका चांस है, और बाकी अपने सीनियर अफसरों की गाइडेंस में हमने ये काम किया। मोतिहारी से अरुण श्रीवास्तव की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।